दमोह जिले के हाटा में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं दो लोगों की तलाश जारी है। हाटा SDOP ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि बुंदेलखंड अंचल में शादी के नाम पर लोगों को ठगने और लुटेरी दुल्हनों के मामले लगातार बढ़ रहे। संगठित गिरोह कुंवारी युवकों को अपने जाल में फंसाकर शादी का सौदा करती और कथित दुल्हनी ठगी कर रफू चक्कर हो जाती है। हाटा थाना पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया, वही दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी तो हमने रिश्तेदारों से सबसे कहा कि मेरी भाई की शादी नहीं हो रही है, कहीं और लड़की हो तो बताना। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं तेंदुखेड़ा में, रामगोपाल जी नेमा, तो उनके यहाँ एक दूध देने आता है, तो उनने उनका नंबर दे दिया और उससे हमने संपर्क किया और उनने हमें एक दीनदयाल पांडे है चनगुआ के, उनसे बात कराई और उसने हमें लड़की देखने के लिए बुलाया मोहित सोनी जबलपुर, उससे हमने दोनों बात मिलकर बात की। उसने बोला एक शर्त रखी कि शादी करोगे तो एक ही दिन में होगी और जल्दी होगी, और ये सब बातें हुई हमारी। और उसके बाद घर पर शादी हुई और घर पर लेके आए, फिर उसने बताया कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है गड़ाकूटा के पास और भाई ख़त्म भी हो गया है और हमें घर जाना है। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है हम लेके चलेंगे घर पे तुम्हारे लिए। तो अपन ने बोला एक वीडियो कॉल करो या फोटो मंगवाओ उसकी सब की या कुछ भी, तो उन्हें भेजी नहीं है, बस इतना ही हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने यहाँ थाने में आके रिपोर्ट की और ये सब किया, वो कुछ नहीं है। दीनदयाल पांडे जी हैं, दमो गए थे कोर्ट में गए थे सीधे दमो में डायरेक्ट कोर्ट। घटना के अंतर्गत मनोज नेमा व्यक्ति नाम के व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके साथ विवाह के संबंध में ठगी हुई है, जिसके उपरांत जाँच में ये पाया गया कि रेखा तिवारी परिवर्तित नाम जो कि असल नाम उमा लोधी है, उसके द्वारा और उसके गिरोह के साथ मिलकर मनोज नेमा सर के साथ ठगी कर विवाह किया गया। एक कूटरचित दस्तावेज स्टैम्प पेपर और फर्जी आधार कार्ड का यूज़ कर जो उसके नाम पर नहीं था उसका यूज़ करके उसके द्वारा उसके साथ विवाह किया गया। और विवाह के अगले दिन ही वह अपने घर जाने की बात करने लगी और अपने भाई का झूठा एक्सीडेंट की बात कही, तो उस समय में जब तस्दीक की गई तो उसके साथ उसके ये दस्तावेज चेक किए गए जो कि झूठे पाए गए। उस पर से इनके जो गिरोह है उसमें मनोज सोनी, मोहित सोनी और सचिन तिवारी, रम्मू लोधी, दीनदयाल पांडे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 465, 467, 468 और 471 में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए सर? इसमें अभी वर्तमान में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, दो आरोपी फरार हैं। सर गिरोह ने कहां कहां लोगों के साथ ठगी की है, क्या खुलासा हुआ है अब तक? इसमें वर्तमान में जो हटा में ठगी की गई है उसका खुलासा हुआ है और एक और पुलिस के संज्ञान में आया है जो कुमारी थाना क्षेत्र में सगौनी में जो उनके द्वारा ठगी की गई है और एवं विवेचना में अन्य ठगियों का पता करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, अभी वर्तमान में इनका कल PR लिया जाएगा अभिरक्षा में लेकर, उसके बाद इनसे पूछताछ कर और कहाँ इनके द्वारा जो दस्तावेज कैसे बनाए जाते थे और इनके द्वारा कहाँ इनकी गैंग में कैसे किन लोगों को कैसे संपर्क किया जाता था, लोगों से लोगों को चिन्हित किया जाता था, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनको किस प्रकार से चिन्हित किया जाता था, इस संबंध में संपूर्ण विवेचना की जाएगी। कब से गिरोह संचालित है, कब से अंजाम दे रहे हैं? अभी वर्तमान में तो यह 2-3 महीने से है ग्रुप एक्टिवेटेड और पूर्व की इनकी जानकारी निकलवाएंगे। आधार कार्ड अटेम्प्टिंग की जा रही है इनके द्वारा? हाँ, इसके संबंध में भी कोई धारा बढ़ाई जा रही है? हाँ, इसके संबंध में 471 रिपोर्ट रचना और इन संबंध में धाराएँ लगाई गई।